भाई जहाँ आपको लेकर आया ना वहाँ आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, मुगलई। भाई एक ही रेस्टोरेंट जिसके अंदर ये सारी की सारी आपको चीजें मिलने वाली हैं। भाई इसकी जो शुरुआत है ना 1983 से हुई थी, एक छोटे से स्टॉल से। छोटी सी स्टॉल से शुरुआत करी थी, आज इतना बड़ा एरिया है ना कि आप 50 से 60 बंदे ना यहाँ पे आके ना पार्टी कर सकते हैं। वीडियो को देखना पूरा बिना स्किप किए, काफी मजा आने वाला है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, बसते रहो। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। ये है दीपक, मैं हूँ यतिन। आज हम पहुंचे हैं तिलक नगर जेल रोड पे। तो भाई हम आ चुके हैं तिलक नगर जेल रोड पे। हम आए हैं एक ऐसे कुजीन के पास, एक ऐसे रेस्टोरेंट के पास आपको लेके, जहाँ पे आपको इंडियन, मुगलाई, चाइनीज तीनों तरह की यहाँ पे कुजीन मिलेगा। तो चलते हैं इनके ऑनर के पास, कुछ बातचीत करते हैं उनसे कि कितने टाइम से उन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ पे काम करना। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा था ना कि यहाँ पे जो इस रेस्टोरेंट का नाम है ना, काफ़ी बड़ा स्पेस है इनके पास। तो चलते हैं इनके ऑनर के पास, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, किचन में कुछ ग्लिम्स लेते हैं और क्या हम यहाँ पे खाएंगे आप लोगों तक रिव्यू करके पहुँचाते हैं। तो भाई हम आ गए जेल रोड में मंजीत रेस्टोरेंट में। ये आप देख रहे होगे सिंस 1983 से है, इतना पुराना ये रेस्टोरेंट है। और स्पेस देखो भाई कितना बड़ा इनके पास स्पेस है। ये देखो, ये इनका सारा का सारा डाइनिंग एरिया, ये है जी इनकी किचन। ये बाहर लगा रखा है इन्होंने अपना शोरमे का काउंटर। इसके ऊपर भी स्पेस है, आप अगर टॉप पे जाएंगे, रूफ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको स्पेस दिख जाएगा। वो भी दिखाएंगे आपको, वो भी आप लोगों को अंदर से दिखाएंगे। और प्लस ये जो है ना, ये यहाँ पे आपको मिलेगा सारा का सारा नॉन वेज आइटम। इनका जो वेज सेक्शन है ना वो बिल्कुल अलग है। अगर आप यहीं से दो कदम आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा जी वेज सेक्शन। आगे आप लोग देख सकते हैं वो, देखो मंजीत प्योर वेजिटेरियन किचन, वो सारा का सारा आपका वेज काउंटर है। वहाँ पे आपको वेज की किचन अलग मिलेगी, वेज की सीटिंग अलग मिलेगी। तो भाई चलते हैं अंदर, थोड़ा सा इनका एंबियंस देखते हैं, किचन के कुछ ग्लिम्प्स लेते हैं। तो यार ये है इनका ऊपर का एरिया, इसका एंबियंस देखो कितना शानदार है, कितना शानदार लग रहा है दीपक भाई, खूबसूरत लग रहा है। बैठने के लिए ना एक फीलिंग चाहिए होती है ना, वो फीलिंग यहाँ पे आ जाएगी। और काफ़ी बढ़िया इन्होंने एंबियंस बना रखा है। सिटिंग एरिया ये रूफ का सिटिंग एरिया है, नीचे का सिटिंग एरिया अलग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 50-60 बंदों की पार्टी करना चाहो ना तो यहाँ पे पार्टी भी कर सकते हो। भैया इस रूफ का नाम इन्होंने रखा हुआ है मचान, ये देखो जी नाम भी काफ़ी बढ़िया लगा रखा हुआ है इन्होंने। तो भाई ये है करण भैया, इस रेस्टोरेंट के ऑनर। तो सर नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। एक बार यहाँ की प्रॉपर लोकेशन बता दीजिए भैया। सर जेल रोड की डीडे मार्केट है, जेल रोड की डीडे मार्केट। सर अपनी शुरुआत कैसे हुई? सर ग्रैंडफादर ने ओपन किया था 83 में, जैसे कि आपने ऊपर लिखा हुआ है एस्टैब्लिश इन 1983। 40 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट, और मेरे फादर ने संभाला। 2003 में मैंने ज्वाइन किया था फादर को, टेक अवे आउटलेट था। धीरे धीरे करते करते बढ़ाते गए रेस्टोरेंट बनाया, फिर धीरे धीरे प्योर वेजिटेरियन किचन हमने अलग कर दिया। तो सर जब आपने टेक अवे यहाँ पर खोला था, जब आप कह रहे हो 1983 से, तो आज मैं देख रहा हूँ अपने पास जो मेन्यू में है, बहुत सारा मेन्यू है, इंडियन भी है, मुगलाई भी है, चाइनीज भी है। फ्राइड बात किससे? क्रिस्पी फ्राइड चिकन, काफ़ी चीज़ें हैं, चाइनीज, मुगलाई, इंडियन बहुत चीज़ें हैं। शुरुआत सिर्फ तंदूरी आइटम, स्नैक्स आइटम से हुई थी। अच्छा, तंदूरी और स्नैक्स आइटम से करी थी, सिर्फ टेक अवे आउटलेट था। उसके बाद ये मेहनत करके ना भाई इतना बड़ा इन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया कि ये भी आप लोग देख रहे होंगे, ये इनका बिलिंग काउंटर है, साथ में इनका सिटिंग रेस्टोरेंट है, ऊपर भी है, ऊपर भी आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो। 140-150 की सीटिंग है, 140-150 की मेंबर्स है। और अपना आप बता रहे हो कि आपने प्योर वेजिटेरियन का अलग से वो खोला? वहाँ सिर्फ टेक अवे, प्योर वेजिटेरियन टेक अवे। अच्छा, मतलब अगर कोई खाना चाहे तो यहाँ पे बैठ के वहाँ का भी यहाँ पे खा सकते हैं। तो सर अपनी स्पेशलिटी किस किस में है? अगर फ्राइड देखोगे तो क्रिस्पी फ्राइड चिकन बहुत बढ़िया हमारा, शोरमा चिकन शोरमा है, और स्नैक्स में पहाड़ी, हमारा पहाड़ी चिकन ट्राई करो। पहाड़ी चिकन बहुत बढ़िया चिकन, नहीं हमने कुछ वर्ड सुना है पहाड़ी चिकन, तो पहाड़ी चिकन ट्राई करो, आपको पता लगेगा, ट्राई करो आप, काफ़ी अच्छे आइटम है। और ग्रेवी में बात करें तो सर बेली राम बटर चिकन, दाल मखनी बहुत बढ़िया है देखोगे तो, बाकी बटर चिकन बेली राम हमारी सबसे बेस्ट सेलिंग है। फ्लेवर है, अलग फ्लेवर है आपको, मतलब डिफरेंट हर जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपनी आइटम्स लगवाते हैं करण भैया से, हमने आप लोगों को मिलवा दिया है, तो यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। थैंक यू करण भैया, थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई हम आ चुके हैं मंजीत चिकन कॉर्नर की किचन में, और किचन आप लोग देख सकते हो, ये लोकल किला किचन का बिल्कुल साफ सुथरी किचन है। और अब यहाँ पे बनवाते हैं अपने आइटम। सर आप सबसे पहले बताओ हमारा क्या बनने जा रहा है? सबसे पहले तो आपका बनेगा बेली राम चिकन है जो। तो भाई यहाँ पे बनने जा रहा है हमारा बेली राम चिकन, देखते हैं बेली राम चिकन यहाँ पे बनता कैसे। और बेली राम चिकन जो है ना वो यहाँ इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। शेफ स्टार्ट करिए।
अब इसमें कीमा डालेंगे, ये मटन कीमा है। ये मटन का कीमा है, मटन मतलब बेली राम चिकन नाम है और कीमा जो है वो मटन मटन का होगा। इसमें हम ये ग्रेवी डालेंगे, ये आगे जी इसमें ग्रेवी, ये आ गया भाई चिकन, इसमें ये रोस्टेड चिकन है, रोस्ट करके रखा हुआ है इसको। ये बटर और क्रीम दोनों मिक्स होके इसमें आ गई। अरे रंग देखो कितनी बढ़िया आई है, कलर देखो कितना बढ़िया आया। ये आ गया भाई ऊपर से रोगन, ये हमारा बेली राम चिकन यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो शेफ नेक्स्ट आइटम अपनी कौन सी बनने वाली है? ये मटन रोगन जूस बनने वाला है। मटन रोगन जूस, हाँ जी भाई, यहाँ पे मटन रोगन जूस बन रहा है, ये देखते हैं कैसे बन रहा है। यार क्वांटिटी देख रहे हो, क्वांटिटी से ही आप हिसाब लगा लो कितना बन रहा है और कितना बिकता होगा। ये आइडिया क्वांटिटी से ही लग रहा है। तो भैया टेबल पे सारा का सारा सामान जो हमने ऑर्डर किया था वो पहुंच गया है। दीपक फटाफट इसकी डिटेल बता दे प्राइसिंग के साथ। तो भाई शुरुआत करते हैं स्नैक्स से। स्नैक्स में हमारे पास है ये जी इनका पहाड़ी चिकन, ये देख रहे हो, मतलब हरे रंग का बढ़िया मज़ेदार देखने वाला चिकन। ये है जी हमारे पास बटर चिकन करी में, क्वार्टर हमने क्वांटिटी लगवाई है। पहाड़ी चिकन की अगर हम बात करें तो 320 रुपए का ये हाफ प्लेट हमने मंगवाया है। बटर चिकन क्वार्टर मंगवाया हमने यहाँ पे 300 रुपए का। आते हैं भाई नेक्स्ट स्नैक पे, ये है जी क्रिस्पी चिकन, ये चार पीसेज हैं और ये देख रहे हो कितना बढ़िया सा इन्होंने क्रिस्प करके दिया हुआ है, 320 रुपए का ये पड़ता है। आते हैं जी अगली आइटम पे, ये है जी मटन रोगन जोश, फुल की क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगी आपको, चार पीसेस मिलेंगे, बट हम दो लोग हैं तो हमने इसको हाफ लगवा लिया, रिक्वेस्ट करके हमने हाफ लगवाया, ये 400 रुपए का पड़ता है। ये है जी इनकी स्पेशल आइटम बेली राम चिकन करी में, और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये भी हमने यहाँ पे क्वार्टर लगवाया, बट इसकी क्वांटिटी जो होती है ना वो भी यहाँ पे हाफ और फुल मिलेगी, तो हाफ ये कॉस्ट करता है 520 रुपए का। यहाँ पे हमने मंगवाई है ये ब्रेड, ये हमने मंगवाई है जी दो तंदूरी रोटी, और साथ में मंगवाया हमने नान। ये है जी हमारे पास प्याज चटनी, और ये है जी स्ट्रीट फूड में सबसे ज़्यादा चलने वाली आइटम जो इन्होंने अपने पास रखी हुई है, शॉर्मा। 90 रुपये का कॉस्ट करता है भाई ये। तो भाई ये आइटम आप टेस्ट करते हैं, ठंडी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो शॉर्मे से शुरू करते हैं दीपक, शॉर्मे से शुरू करते हैं। एक टिपिकल शोरमा जिसे शोरमा कहते हैं, चिकन के जो चंक्स हैं ना काफ़ी बड़े बड़े हैं, मोटे मोटे जिसे कह सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, जूसी चिकन है भाई। और मेरे को ये शोरमा जैसे ऑलमोस्ट होता है ना हर स्ट्रीट पे होता है, मेरे को वैसे लग रहा है कुछ ऐसा खास इसमें कुछ मेरे को लगा नहीं, बट जो है खाने में मज़ा आ रहा है भाई। तो भाई आते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम पे, जो कि मेरे पास स्नैक्स में अगर ये देखा जाए तो मेरे पास है क्रिस्पी चिकन। मैं क्रिस्पी चिकन इसका ट्राई करूंगा, मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं करूंगा इनका पहाड़ी हरा भरा चिकन, पहाड़ों से जो मैच करता हुआ कि नाम हरा भरा। अरे यूनिक नेम है यार, हमने काफ़ी सुना नहीं है ये नाम, क्या यूनिक है तो खा के पता चलेगा। ये जी क्रिस्पी चिकन का लेग पीस। तो भाई साथ में मिली हमें इसके ये मेयोनीज और ये मोमोज वाली चटनी कह सकते हैं। मैं कोई चटनी वटनी कोई यूज़ नहीं करता, मेरा शुरू से ही एक तरीका है खाने का। ये देखो जी ये चिकन, चिकन काफ़ी जूसी है। ये धनिए और पुदीने का जो फ्लेवर आ रहा है निखर के, काफ़ी ज़बरदस्त, ऐसी चीज़ मैंने पहली बार खाई है तो काफ़ी ज़बरदस्त बनाया है उन्होंने, धनिया और पुदीना निखर के आ रहा है, काफ़ी बढ़िया। ये जो क्रिस्पी चिकन है ना, ये कढ़ाई में फ्राई हुआ वाला चिकन है, और ये जो है ना इसके ऊपर चिकन में ना जैसे ऑलमोस्ट जगहों पे ना मैरिनेशन हो रखी होती है मसाले की, इसमें लगा हुआ है जी नमक, कोई मसाला नहीं है ऐड ऑन, बढ़िया एक टेस्ट आ रहा है। ये मेयोनीज के साथ भी ट्राई कर लेते हैं, काफ़ी जानदार चीज़ लगी, देखो मैं बातों बातों में पूरा खा गया। तो स्नैक्स तो भाई यहाँ पे हमने ट्राई कर लिया, अब आते हैं मेन कोर्स में, और मेन कोर्स में मुझे मज़ा आता है भाई मटन खाने में,
ये है जी इनका मटन रोगन जोश, ये ऊपर से आप रोगन देख रहे हो कितना बढ़िया है और रंगत कितनी बढ़िया आ रखी है। तो ये लेता हूँ, ये ट्राई करता हूँ भैया। भैया जी चाप का भी हम उठा लेते हैं, अपना फेवरेट बटर चिकन। बटर चिकन ऐसी चीज़ है मोस्टली हर रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगी, तो यहाँ का टेस्ट करते हैं कैसा है भाई। इसके साथ लेते हैं तंदूरी रोटी, क्योंकि तंदूरी रोटी के साथ जो मटन रोगन जोश का कॉम्बिनेशन है ना वो बेस्ट है भाई। तो भैया बटर चिकन के साथ बटर नान हो जाए तो बात ही क्या है। भाई मटन रोगन जोश की इनके बात करूँ ना, थोड़ा सा मेरे को इसमें ना मीठापन दिख रहा है, थोड़े से मसाले कम दिख रहे हैं, थोड़ा सा ना इसमें मिर्ची ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मसाले होते हैं ना, एक मसालों का अपना फ्लेवर होता है, बट यहाँ पे जो है ना वो मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है इन्होंने। बट नो डाउट पंजाबी स्टाइल ये मटन रोगन जोश है। ये जो बटर चिकन है, एक नॉर्मल बटर चिकन, एवरेज बटर चिकन मैं ऐसे कहूँगा जो हर जगह मिल जाएगा, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें कुछ बताया जाए। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, अच्छे से इसमें मसाले डले हुए हैं, बटरी फ्लेवर है, और कुछ ज़्यादा इसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं। भाई मटन मैंने ट्राई कर लिया और बटर चिकन यतीन ने ट्राई कर लिया, तो आती है हमारे पास नेक्स्ट आइटम जो हमारे पास बची है और जो यहाँ की स्पेशलिटी है भाई, ये है इनका बिल्ली राम चिकन। ये मुझे लग रहा है यतीन की वाकई में ना बहुत बढ़िया होगा, जो बन रहा था ना ये, तभी इसे बता दिया था कि भाई ये कोई चीज़ बन रही है, भाई मैं तो लेग पीस ट्राई करूँगा इसका। ये रोस्टेड चिकन है, उसको इसमें इन्होंने डाला था, ये लगा लिया इसमें मसाला, एक अलग चीज़ है, मसालेदार चटपटी तीखा स्वाद, जिसमें आपको चिकन भी मिल रहा है और जिसमें आपको मटन भी मिल रहा है, खाने में काफ़ी लाजवाब। दीपक अगर हम इसके साथ चिकन ना लगाएं ना, जो चिकन छोड़ दें, जो इसकी ग्रेवी है, ग्रेवी खाएं ना तो ऐसा लगेगा बिल्कुल प्योर मुंह में ना मटन खा रहे हैं, मटन का कीमा खा रहे हैं। भाई जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया ना बिल्ली राम चिकन में, इन्होंने जो कीमे की ग्रेवी दी हुई है और साथ में चिकन दिया हुआ है, भाई मैं कह रहा हूँ ये कॉम्बिनेशन है बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और बिल्ली राम चिकन की ना एक खासियत है, बिल्ली राम चिकन में ना जैसे और चिकन होते हैं ना उनमें क्या होता है कि जो टमाटर होते हैं ना उसका यूसेज ज़्यादा होता है, इसमें जो टमाटर की क्वांटिटी होती है तो उसका यूसेज होता है ना एज़ कम्पेयर टू ऑनियन बहुत लो रहता है, तो ये थोड़ा सा ना चटपटा हो जाता है। और ये प्योर मेरे ख्याल से बिल्ली राम चिकन हम इसको कह सकते हैं भाई, ये है चीज़ जो यहाँ की स्पेशलिटी है, लोगों को काफ़ी पसंद आती है, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल नॉर्थ इंडियन स्टाइल चटपटा खाने में काफ़ी मज़ेदार। इन आइटमों को अगर आपने स्वाद लेना है, टेस्ट लेना है, तो आपको आना पड़ेगा जेल रोड मंजीत चिकन पे, जो कि पड़ता है जेल रोड में, जो भी इसका एड्रेस होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देंगे जो भी डिटेल होगी। तो भाई अगर मैं बात करूँ इनकी प्राइसिंग की ना, तो प्राइसिंग कई जगह पे मुझे हाई लगे, कई जगह पे मतलब ये लगा कि हाँ भाई क्वांटिटी और क्वालिटी है ना काफ़ी बढ़िया। जैसे कि मैं बात करूँ इनके मटन की, मटन का जो प्राइस लगा वो 400 रुपये, तो वो जस्टिफाई है, बढ़िया ठीक है। बटर चिकन की अगर बात करें थोड़ा सा मेरे को हायर साइड पे लगा इसका प्राइस, ये क्वार्टर की क्वांटिटी है जो कि 300 रुपये की कॉस्ट करती है और फुल अराउंड 750 के आसपास कॉस्ट करता है, बट इनका बिल्ली राम चिकन है ना भाई ये तो मज़ेदार है। क्वांटिटी अगर आप क्वार्टर में भी देखो ना, तो क्वार्टर में भी क्वांटिटी काफ़ी बढ़िया दी हुई है, और जो शॉर्मे की बात करें या इनके स्नैक्स की बात करें ना, तो वो मुझे ठीक लगे। लेकिन जो इनका ये अरेंजमेंट है, ये बिठाने का जो बना हुआ है पूरा का पूरा रेस्टोरेंट, ये काफ़ी अच्छा है। तो भाई तेल तो तिलों में से निकलेगा, तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। तो भाई फूड की भी जो बात करें ना, फूड भी मतलब टेस्टिंग में काफ़ी बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके एंजॉय नहीं कर सकते, फैमिली के साथ आ सकते हो। बहुत पुराने बैठे हुए हैं, 40-42 साल हो गए इनको ये काम करते हुए यहाँ पर, और स्पेस पूरा है यार। भाई अगर आपने यहाँ पे किसी को पार्टी देनी है ना 20-30 बंदों को, तो आप यहाँ पे आके अपना डिनर एंजॉय कर सकते हो। स्टाफ भी काफ़ी इनका अच्छा है, स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है, और हमें जिन्होंने अपना यहाँ पे अटेंड किया वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके हमें जरूर बताना आपको हमारी दिखाई वीडियो कैसी लगती है। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी है खाना बदोश भाई दीपक यतीन, खाना बदोश भाई दीपक यतीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।